कौन कहता है कि जंग सिर्फ जंग के मैदानों पर लड़ी जाती है? कई जंग इन मशगूल शहरों के बीच भी लड़ी जाती है। हमारे रियल लाइफ हीरोज इस बात के साक्षी हैं। पेशेंट को रेडी रखिए, मैं एम्बुलेंस लेकर के पहुंच रहा हूं। हर मुसीबत का डटकर मुकाबला करने की इस भावना के साथ कालियाज राहत और बचाव के रास्ते पर चल पड़े। एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत मैंने सन 2000 से की और इस पूरी जर्नी में ट्विंकल कालिया मेरी वाइफ का साथ मेरे को बहुत ज्यादा मिला। आइए जाने कि इस महामारी के बीच इस कदर निडर होकर काम करने की प्रेरणा कहां से मिलती है। मुझे आज भी वो 30 मिनट याद हैं, समय पर एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से मेरे फादर को कोमा में जाना पड़ा और उसी दिन मैंने दृढ़ संकल्प किया कि ऐसी सेवा मुहैया कराऊंगा कि कभी भी एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से किसी की सांसें नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब विपदा उनके घर तक पहुंच गई। ये सेवा कोविड पॉजिटिव लोगों को पहुंचाते पहुंचाते एक दिन ऐसी सिचुएशन हुई कि ट्विंकल खुद कोविड पॉजिटिव हुई, लेकिन उसके आइसोलेशन में होने के बावजूद भी मैं ये सेवा लगातार करता रहा। पर सच्चे हीरो कभी रुकते नहीं हैं। तमाम मुसीबतों से लड़कर दिल्ली की एम्बुलेंस वुमन फिर से सेवा में लौट आई। ये रास्ता इतना आसान नहीं था। कहते हैं ना, जब सारी तरफ से अंधेरा हो जाता है तभी आशा की एक किरण नजर आती है। तो जब हम एम्बुलेंस लेके जाते हैं तो जो पेशेंट्स के घर वाले होते हैं, पेशेंट्स होता है, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है, तो उनके चेहरे पे जो खुशियां होती हैं वही हमारे लिए रिवॉर्ड और अवार्ड, वही सब कुछ होता है। मैं एम्बुलेंस सेवा को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, वो देश के किसी भी कोने में हो, ताकि जो लोग डिजर्व करते हैं उन्हें ये मदद मिल सके। देश के प्रमुख व्यक्तित्वों ने कालियास के इस साहसिक कदम को खूब सराहा और सम्मानित किया। मरीजों का ठीक होकर उनके घर लौटना उनकी सेवा के जज्बे को कायम रखती है। अपने 20 वर्षों की निस्वार्थ सेवा में कालियाज ने 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने में मदद की। 20 वर्षों के अटूट विश्वास और हर चुनौतियों का डटकर सामना करने वाले इस समर्पण के लिए कालियाज को हमारा सलाम।